किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की सौगात लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य, ऐसा चरित्र। कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। महामंत्री, हमारे राज्य का अवस्था कैसा है? सारे प्रजा सुख शांति से है ना? आप एकदम निश्चिंत रहे महाराज, आपके प्रजा आपके आशीर्वाद से सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए राज्य के सारे प्रजा आपके नाम के जय जयकार कर रहे हैं। मैं भी यही मानता हूँ, मेरी तरह न्याय विचार करने वाला राजा इस पृथ्वी पे और कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या गोपाल, तुम्हारा क्या राय है? मैं अगर साबित कर दूं कि पृथ्वी पर आप अकेले नहीं हैं न्याय विचार करने के लिए, और भी न्याय विचारक हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग न्याय विचारक हैं। तो ठीक है, अगर तुम साबित कर सकोगे तो मैं तुम्हें अपने 500 एकड़ जमीन मैं तुम्हें उपहार में दे दूंगा गोपाल। ठीक है महाराज। महाराज मेरी एक विनती है। ठीक है, बताओ क्या विनती है? मैं जीवन में जितना भी अन्याय क्यों न करूं, मैं यह चाहता हूं अंत में मेरा मन लायक विचारक आकर मेरा विचार करे। ठीक है, वैसा ही होगा। देख रहे हैं कविरत्न, पेड़ में कितने सुंदर आम हुए हैं। रुकिए, एक पत्थर मारकर दो चार तोड़ता हूँ। आह, ओ बहरी। आदेश महाराज, जल्दी वैद्य को बुलाओ, पता लगाओ और यह पत्थर किसने मारा है और उसे बंदी बनाकर राजसभा में लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। वाह वाह वाह, विश्वास कीजिए महाराज, मैं जानबूझकर पत्थर नहीं मारा हूँ, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। नहीं महाराज, गोपाल को इस अन्याय के लिए सजा मिलना ही चाहिए। वह जानबूझकर राजा के सर पे पत्थर मारा है, इसलिए देने होंगे 10,000 मुद्राएं। महाराज कुछ दिन पहले आप मेरी एक विनती मंजूर किए थे, याद है ना? याद है मुझे। तो बताओ किससे तुम अपना विचार करवाना चाहते हो? अपने नगर में राम और श्याम दो कुम्हार रहते हैं, मैं चाहता हूँ वही दोनों मेरा विचार करें। ठीक है, वही होगा। महाराज मेरे हिसाब से राज परिवार में जानबूझकर जो दुर्घटना की गई है उसके लिए गोपाल को अर्थ दंड देना यही उचित विचार होगा। महाराज दंड में 150 स्वर्ण मुद्राएं देने होंगे। नहीं नहीं, गोपाल का तो अपना घर परिवार भी है यार, उतना स्वर्ण मुद्राएं देगा तो वो खुद मर ही जाएगा, वो 50 स्वर्ण मुद्राएं देगा तो उचित होगा जी महाराज। हाँ ठीक बोल रहे हो तुम। महाराज
मैं भी राम की बात से सहमत हूँ। गोपाल से 50 स्वर्ण मुद्राएं लिया जाए। केवल 50 स्वर्ण मुद्राएं दंड में? न्याय के नाम पे ये अन्याय है महाराज। ये अन्याय नहीं, यही न्याय विचार है। वो कैसे महाराज? राम श्याम गरीब कुम्हार और दोनों सीधा साधा है, इसलिए वे दोनों दूसरों के तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ समझते हैं। इन दोनों के विचार के अनुसार मेरा दंड 50 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। दूसरी तरफ हमारे महामंत्री बहुत पैसे वाले हैं। हमारे महामंत्री राज्य में कुबुद्धि लगाते लगाते मनुष्य के दुख तकलीफ को तो भूल ही गए हैं, और क्या कहूँ महाराज इनके बारे में। इसलिए महामंत्री 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दंड रखे थे। अगर मैं नहीं दे पाता तो वो मुझे ले जाकर काल कोठरी में डाल देते महाराज। क्या हुआ महाराज, आप मेरी बात समझे? महाराज मैं तो आपको पहले ही बोला था, अलग अलग जगहों में अलग अलग विचार होते हैं। तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। तुम्हारा उपहार मैं तुम्हें कुछ दिनों में ही दे दूंगा गोपाल। ठीक है महाराज, कैसी आपकी इच्छा।